हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें। सबसे ज्यादा संक्षिप्त न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वर्तमान और जिस दर से आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से 2050 तक देश की जनसंख्या से बढ़कर अरब हो जाएगी। इस समय विश्व की फीसदी आबादी केवल भारत और ही है। यह इतना है चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की महानिदेशक डॉ. नीना गुप्ता का। वह मंगलवार को परिवार नियोजन सेवाओं और बेहतर योगदान करने वाले जिला स्वास्थ्य अधिकारियों के सम्मान समारोह और बोल रही थी। समारोह और 12 जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों को सम्मानित किया गया। डॉ. गुप्ता ने परिवार नियोजन सेवाओं और स्वास्थ्य अधिकारियों की भूमिका अहम बताते हुए कहा कि तमाम कोशिशों के बावजूद देश जनसंख्या स्थिरीकरण से काफी दूर है, जैसा चिंता का विषय है। उन्होंने सम्मानित स्वास्थ्य अधिकारियों से सीख लेने की सलाह दी। चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग सिप्सा, देशीय स्वास्थ्य मिशन व पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित समारोह और उत्कृष्ट कार्य करने वाले 12 जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को सम्मानित किया गया। इन और लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, उन्नाव, प्रतापगढ़, जौनपुर, मऊ, देवरिया, फिरोजाबाद, सुल्तानपुर, झांसी व आगरा के अधिकारी शामिल हैं। सिप्सा के महाप्रबंधक वीके जैन ने कहा कि परिवार नियोजन के लिए स्वास्थ्य विभाग के अलावा अन्य विभागों को भी बराबर की जिम्मेदारी निभानी होगी। इसकी सफलता के लिए शिक्षा, पंचायती राज, बाल विकास परियोजना, देशीय सामाजिक सेवा, देशीय ग्रामीण आजीविका मिशन की सहभागिता और समन्वय जरूरी है। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया संस्था की निदेशक पूनम मुत्रेजा ने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की लोगों तक पहुंच से ही बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकेगी। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। हमें कमेंट्स के जरिए बताइए कि वीडियो कैसा लगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।